नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है महाबंध। महाबंध है क्या, इसके विषय में स्वात्मा राम मुनींद्र जैसे साधक बताते तथा जो हठ योग प्रदीपिका आदि ग्रंथ है इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि इसको करने से व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, यानी व्यक्ति स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो इसको करना कैसे है, तो जो स्वात्मा राम मुनींद्र जी का कथन है मैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसको सामने रखते हुए बता रहा हूं। उनके कथन अनुसार कि अगर जब किसी व्यक्ति को महाबंध की अभ्यास को करना है तो सबसे पहले अपने बाएं पैर को गुदा और योनि के जो मध्य का भाग है वहां पर बाएं पैर की एड़ी से दबा कर रखे, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखें और धीरे धीरे सांस को शांत करते हुए गहरी लंबी सांस ले, पूरे फेफड़े में सांस को भरना है जिसको पूरक प्राणायाम कहते हैं, पूरा भरना है। सांस पूरी भरने के बाद फिर जलंधर बंध यानी अपने गर्दन को नीचे करते हुए चिन्ह को अपने हृदय से लगाना है और रोक करके रखना है अपनी सांस को, और फिर अपने गुदा को संकुचन करके ऊपर उठाना यानी कि मूल बंध लगाना है, और फिर कुछ देर कुंभक प्राणायाम यानी कि वहां पर रुके रहना है, और फिर पुनः धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे गति से श्वास को छोड़ना। लेकिन ध्यान रखना कि आपका मूल बंध और जलंधर बंध दोनों लगा होगा। पूरे श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को कमर के साथ चिपका देना, इतनी हवा को पूरा बाहर छोड़ देना, फिर ये महाबंध हो जाएगा। अब आपको आंतरिक कुंभक करना, सांस को बाहर ही रोक करके रखना है। इस प्रकार से कुछ समय रुको, जब आपको बेचैनी होने लगे तो छोड़ दीजिए, फिर पुनः अभ्यास कीजिए, एक बार बाएं से एक बार दाएं से, इस प्रकार से 4-5 मिनट प्रारंभ में करना चाहिए, फिर ये संख्या आपको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के बाद आपकी खास करके कुंडलनी शक्ति बहुत तेज गति से जागृत होती है और इसको करने से कई लाभ होते हैं। कहते हैं महाबंध से तीनों बंध, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध का लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें तीनों बंध लग जाते हैं। इससे जो हमारी पीनियाल ग्रंथि है हार्मोनल स्राव को प्रभावित करता है। महाबंध से शरीर के क्षय, ह्रास, बुढ़ापे की प्रक्रियाएं थम जाती हैं। इसको करने से क्रोध शांत हो जाता है। महाबंध करने से आपका ध्यान लगता है। यदि महाबंध का अभ्यास पूर्णता प्राप्त हो जाए तो ये आपके चक्रों को जागृत कर देता है। महाबंध अग्निमंडल में प्राण, अपान और समान का विलय करता है, जो सभी प्राणायामों का अंतिम बिंदु है। कहते हैं जितने प्रकार की पंच वायु जो है इनको सबको ठीक करता है, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करता है, आपको परम आनंद की प्राप्ति कराता है, आपको अनहद नाद की प्राप्ति कराता है। हमको विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।